इस वक्त हमारे साथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर सचिन कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, एक रिसेंटली एक इंसिडेंट सामने आई है जिसमें कि सिरिन लाइफ फाउंडेशन जो कि एक रिहैब सेंटर है पासीघाट में, वहां पर एक विक्टिम जो है लेट पूरे प्रीति मुखर्जी, उनका देहांत हो जाने की हमें खबर मिली। इसके रिगार्डिंग में सर कोई एफआईआर अभी तक रजिस्टर हुई है? अगर हुई है तो कैसे? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल द सिटीजन्स एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। एक सेरिन रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो कि गुमिन नगर में बना हुआ है, उसमें ये 20 जुलाई को करीब 11:30-12 के बीच हमें एक रिटर्न एफआईआर मिलती है जो श्रीमती मोहिमान लिटन ये रिटर्न एफआईआर लेके आती हैं हमारे पुलिस स्टेशन पासीघाट में। जब इनको पता लगता है कि जो इनका बेटा है जिसका नाम है ओलिप लितिन मुखर्जी, जो कि सेरिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट था, वहाँ उसका रिहैबिलिटेशन चल रहा था टू यू नो हेल्प हिम ओवरकम द ड्रग एडिक्शन हैबिट, तो उसका देहांत हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि करीब 19 जुलाई को इनके बेटे की बॉडी को बाकी पटन हॉस्पिटल लेके जाया गया रात को 11 से 11:30 के बीच। तो वहाँ उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया उनके बेटे को। और जब हमने इसमें हमारे नॉलेज में मैटर आया, पुलिस स्टेशन पासीघाट को रिटर्न एफआईआर मिला, हमने इसमें इंक्वायरी करी और इंक्वायरी के दौरान पता लगा कि जो डिसीज्ड हैं ओलिप मुखर्जी, वो चाह रहे थे रिहैबिलिटेशन सेंटर से जाना, भागना वहाँ से, वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने अपने कुछ जो उनके वहाँ एकम्प्लिस हैं या जो उनके फ्रेंड्स बने होंगे वहाँ पे, उन सब ने मिलके ऐसा प्लान किया कि भाई हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये बात बाकी लोगों को पता लग गई। तो जो भी उन्होंने बाकी लोगों ने किया बहुत गलत किया, उन्होंने उनके साथ फिजिकल टॉर्चर किया, जो विक्टिम है जो डिसीज्ड है उसकी पिटाई करी डंडे से। तो जब इसके बाद तक उसको विक्टिम को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन 19 जुलाई को जब ये पिटाई हुई है जो हमें इंक्वायरी में पता लगा, उसके 1-2 घंटे बाद करीब जब उनको दिक्कत हुई ओले मुखर्जी को और हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो शी वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो बहुत सीवियर बॉडी पर इंजरी मार्क्स हैं। तो हमने इसका बॉडी का इंक्वेस्ट भी कराया, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी हो चुका है, हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बीपीजीएच वहीं पर कराया गया है। एंड रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ, जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो हमारा नया कानून है, उसके तहत तुरंत हमने इसमें केस भी रजिस्टर कर लिया गया है। और इसके अलावा इसमें अभी तक 11 लोग, जिसमें मैनेजमेंट जो वहाँ का सेरिन रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो मैनेजमेंट के इंचार्ज है, जो असिस्टेंट मैनेजमेंट इंचार्ज है, काउंसलर हैं, डिटॉक्स इंचार्ज हैं, किचन इंचार्ज हैं, तो इन सभी को मिला के करीब 11 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है अभी तक। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निकल पहलू है, चाहे सीसीटीवी एनालाइज करना या बाकी चीज़ों को बारीकियों से देखना, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रायोरिटी का केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, बहुत सेंसिटिव केस है। तो इसमें मैं अभी इतना ही आपको बता पाऊंगा। इस केस में इतना कहना चाहूँगा कि कंप्लेंट मिलते ही इसमें हमने बहुत स्ट्रॉन्ग और स्विफ्ट एक्शन लिया है, और जो सीवियरेस्ट सेक्शंस ऑफ लॉ हैं, जो सबसे सीवियर सेक्शंस हैं, सबसे मतलब बड़े सेक्शंस हैं, उसमें इस केस को रजिस्टर किया गया है और लोगों को अरेस्ट किया गया है। कोई इसमें बेल पुलिस स्टेशन लेवल पर कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी बेल का प्रोसीडिंग्स होगा वो इनको जुडिशियल बेल लेना पड़ेगा। और अभी ये फिलहाल हमने इनका पुलिस कस्टडी लिया हुआ है, 5 दिनों का पुलिस रिमांड पे हैं फॉर फर्दर इंटरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेरे तरफ से इस केस के बारे में ब्रीफ था। सर, ये जो सारे रिहैब सेंटर्स जो होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, तो इनको सर अभी लोगों का अभी भरोसा जैसे उठ ही गया है, ऐसा एक जब इंसिडेंट सामने आया है, तो अभी जो पेरेंट्स जो देखना भी चाहेंगे आगे, तो 10 बार सोचेंगे।
सर इसको काउंटर करने के लिए क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ इंस्पेक्शन ऐसे किए जा सकते हैं? देखिए, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग भी हुआ है इसके रिगार्डिंग, डीसी साहब के साथ सुबह मीटिंग भी हमने की है, और बहुत जल्दी ही इसका जितने भी हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हुए डिस्ट्रिक्ट में, खास तौर से जो प्राइवेट हैं, उनका हम जॉइंट इंस्पेक्शन करने वाले हैं, हमारी टीम्स, पुलिस टीम भी और एडमिनिस्ट्रेशन टीम भी, और जो भी नेसेसरी एक्शन है, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ शटिंग देम डाउन, ताकि ऐसा दोबारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो पासीघाट हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी स्टेप लिया जाएगा। बट उनके ऑपरेशंस को शट डाउन करना, वो सेंटर को बंद करना, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आएगा, उसमें हमारी अथॉरिटी नहीं है पुलिस की उनको बंद करना, लेकिन जो हमारे लेवल पे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी दैट विल बी डन विद इमीडिएट इफेक्ट। जो उसके बाकी साथी हैं जिन्होंने चोट खाई है, हाँ देखिए, इसमें भागने का मेरा मतलब है कहने का कि जाने का वहां से। अब देखिए, आप इस चीज को समझिए कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब लोग जाते हैं तो जरूरी नहीं है हर कोई वहां कंटिन्यूसली रहना चाह रहा है, कुछ लोग हो सकते हैं वहां नहीं भी रहना चाहें। तो भागने का मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि कहीं और ही भाग जाएगा, ऑब्वियसली वो अपने घर ही जाएंगे, लेकिन वो उनकी इच्छा बस इतनी थी कि वो अपने घर चले जाएं, वो वहां ना रहें। मे बी वहां पर जो उनका जो वर्क क्या बोलते हैं जो लिविंग कंडीशंस थी सरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर की, वो उतनी बढ़िया नहीं है। हमारी टीम ने इसको मतलब हमारे ऑफिसर्स ने इसको विजिट भी किया सेंटर को, वहां के जो रहने के हालात हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वहां कोई भी किसी का भी उतना ज्यादा दिन नहीं रहने को मन करेगा, बहुत ही खराब हालत में वहां लोग रह रहे हैं। इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी किया है कि इसको इमीडिएटली शट डाउन किया जाए सेंटर को विद इमीडिएट इफेक्ट, और ये पूरा सेंटर बंद होगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका ये सेंटर ऑपरेशनल ही नहीं रहेगा, और इसमें डीसी साहब और हमने यही आपस में एक सलाह बनाई है कि इसको बंद करने से ही ठीक है, क्योंकि आज ये इंसिडेंट हुआ है, बाद में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाद में किसी के साथ नहीं हो सकता। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लें अगेंस्ट दी ओनर मैनेजमेंट ऑल्सो, अगेंस्ट द ओनर्स ऑल्सो, और जो इसके ओनर हैं सरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर के, पुलिस के लेवल पे भी हम उनके खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल एक्शन लेंगे, उसके लिए आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। जो 11% रिवेलेशन है, हाँ जी, उनका क्या रिवेलेशन है? उनका रिवेलेशन यही है कि उन्होंने इनकी पिटाई करी जो विक्टिम है हमारे, और इसमें बाकी भी 13-14 लोगों को थोड़ी बहुत चोट आई है, उनका भी हमने मेडिकल कराया है, उनसे उनके उनके स्टेटमेंट पे भी हम एक सेपरेट केस रजिस्टर करेंगे इसमें, ठीक है सर? अभी जो सारे आपने जैसे मेंशन किया बहुत सारे लोगों को 13-14 लोगों को चोट आई, क्या अभी तक वो वहीं पे रह रहे हैं या फिर अपने अपने घर चले गए? नहीं, वो उनका हमारा हमने उनका मेडिकल कराया है, अभी तो फिलहाल तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, रहना तो जब उनके पेरेंट्स ने और जब और डिटेल में इंक्वायरी होगी तब वो ये पता लगेगा कि भाई उसमें से कौन लोग रहना चाहते हैं कौन नहीं रहना चाहते हैं, और जो नहीं रहना चाहते दे आर फ्री टू गो टू देयर होम। वो कोई जेल थोड़ी है कि आप वापस नहीं जा सकते अपने घर पे, यू आर फ्री टू गो। अगर आपका मन नहीं है, अगर आप नहीं रहना चाहते, यू आर फ्री टू गो। अब इसी के साथ जो मैं मेन मेरी अपील रहेगी सभी लोगों के लिए, सारे सिविलियंस के लिए, सिटीजन्स के लिए, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के सभी नागरिकों के लिए, लोगों के लिए, मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज रहे हैं, देखिए रिहैबिलिटेशन कराना बुरी बात नहीं है, ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, डी एडिक्शन कराना, रिहैबिलिटेशन कराना, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जिस सेंटर में भेज रहे हैं, क्या वहाँ पर रहने के कंडीशंस बेटर हैं कि नहीं है, मतलब वहाँ साफ सफाई, बेसिक सैनिटेशन, बेसिक हाइजीन है या नहीं है। दूसरा, वहाँ पर एक सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर नर्सिस की टीम है या नहीं है। तीसरा, वहाँ पर जो मैनेजमेंट की टीम है उनका कैसा बिहेवियर है आपके बच्चे के लिए, उनका कैसा बर्ताव है। वहाँ पर रिहैबिलिटेशन एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें एक्सरसाइज कराना, योगा कराना, मेडिटेशन कराना, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उन लोगों को जो बेचारे ड्रग एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, तो रिहैबिलिटेशन का मतलब वो होता है।
तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए उस सेंटर में, तभी आपको बेनिफिट होगा उसमें अपने बच्चे को एडमिट करा के। सिर्फ एडमिट करा देने से, वहां रखने से अगर आपको लग रहा है कि वो डीएडिक्ट हो जाएगा या रिहैबिलिटेशन हो जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि जो यहाँ पर लिमिटेशन है, जैसे गवर्नमेंट का एक ही रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये हाईएस्ट अथॉरिटी तक ये इस मैटर को लेके जाया जाएगा कि जो करंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है गवर्नमेंट का, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और नए गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन सेंटर एक या दो और खोले जाएं, जिससे कि इससे दो फायदे होंगे कि एक तो जो गवर्नमेंट का होगा रिहैबिलिटेशन सेंटर वो बहुत ही बढ़िया बनाया जाएगा, उसमें सारी जो बेसिक नॉर्म्स होती हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरा, जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी वो पेरेंट्स के लिए ऑलमोस्ट नेगलिजिबल होगा, क्योंकि जो उसके चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट फ्री बराबर होते हैं वो, जबकि प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब 12,000 से लेके 20,000 रुपये तक ये लोग मंथली चार्ज करते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर ये इकोनॉमिक बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ये भी एक बेनिफिट होगा, तो और उनके बच्चे ज़्यादा सेफ हैंड्स में रहेंगे अगर वो गवर्नमेंट के सेंटर में रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये भी थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कम्युनिटी लेवल पे। और ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल भी किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके ओनर से, मैनेजमेंट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी शक होता है कि आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बैड ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप तुरंत मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलिए, आप कंप्लेंट दीजिए, मैं तुरंत उस पर एक्शन लूंगा। अगर आपको यहाँ ऑफिस तक नहीं आना, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ओसी से मिल सकते हैं, आपको कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ होगा, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ है, आपकी हेल्प करने के लिए है, आपकी सर्विस में है, तो आपको बिल्कुल भी मतलब अकेला या क्या बोलते हैं कमजोर फील नहीं करना है। हम सबका यही मोटिव होना चाहिए कि ड्रग्स को मिनिमम से मिनिमम कैसे हम खत्म कर दें सोसाइटी में, इसको जड़ से खत्म कर दें, और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका डी एडिक्शन करा दें, उनको हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ दें, उनका अच्छे से रिहैबिलिटेशन करा दें, और वो एक अच्छा काम करें, एक अच्छी जॉब करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो उनकी क्षमता के हिसाब से अपने काम करें, लेकिन इस ट्रैप के अंदर ना फंसे। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय अरुणाचल।